हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि गलगोटी यूनिवर्सिटी का 2023 का सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, मेरे बहुत से दोस्त परेशान थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि गलगोटी यूनिवर्सिटी का 2023 का सेशन कब से स्टार्ट होगा। तो जो न्यू बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चे हैं, उनको ये दिक्कत आ रही है। बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो तो यूनिवर्सिटी में जाकर पता कर लेते हैं कि मतलब आगे की इवेंट्स कब होंगे, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो फ्रेशर्स परेशान हैं। तो आज उसी सवाल का आंसर देने वाला हूँ कि कब से मतलब क्लासेस जो हैं शुरू होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एकेडमिक कैलेंडर। और मैं ये भी बताता हूँ आपको कि कैसे आप एकेडमिक कैलेंडर जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने गूगल क्रोम की ओर। तो चलिए दोस्तों, इस साइड में मैंने स्क्रीन लगा दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे डाउनलोड करूँगा। ठीक इसी तरीके से आप जो है ये जो एकेडमिक कैलेंडर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके वो जो एकेडमिक कैलेंडर है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मैं समझाता भी हूँ कि जो डेट्स हैं वो कैसे कैसे मतलब क्या क्या होगा। तो गूगल क्रोम पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, तो क्रोम पे हम लिखेंगे GULMS। तो जैसे ही GULMS लिख के हम क्लिक करेंगे, तो वैसे ही गलगोटिया LMS पहली लिंक पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो खुल चुकी है। आप इसमें बिना लॉगिन किए भी एकेडमिक कैलेंडर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये 14 मंडे में 14 अगस्त को ये जो है प्रेस रिलीज किया, एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ किया गया था। तो जैसे ही आप कैलेंडर ऑफ इवेंट्स फॉर 2023-2024 पर क्लिक करेंगे, वैसे ही जो कैलेंडर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये डाउनलोड हो रहा है और ये खुल चुका है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, खुल चुका है ये। इसमें सारी डेट्स जो लिखी हुई हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैलेंडर इवेंट फॉर एकेडमिक ईयर 2023। तो दोस्तों, इसमें जो है दो मतलब फर्स्ट ईयर, एक तो फाइनल ईयर की मतलब फाइनल ईयर का मतलब सारी कैलेंडर है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में इवेंट्स फॉर फाइनल ईयर, और दूसरे साइड जो लिखा हुआ है वो इवेंट फॉर फर्स्ट ईयर एंड अदर्स। तो हम अभी सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे, इस वाले पे, इस साइड वाले पे, साइड वाले फोकस करेंगे, क्योंकि जो है फ्रेशर को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ही पता कर सकते हैं और इसमें फाइंड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, देख के भी मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप। तो अभी मैं फोकस करूँगा ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑड सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर मतलब दोस्तों कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, मतलब जो ऑड सेमेस्टर हैं उनमें जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा 11 तारीख मतलब 11 सितंबर 2023 से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन ओल्ड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब। तो ये 11 तारीख को स्टार्ट होगा और ये एंड जो होगा 16 तारीख होगा, 16 सितंबर को एंड हो जाएगा। और जो दोस्तों इंडक्शन प्रोग्राम है, जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जो आपका सबसे मेन, इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो जो है आपका स्टार्ट होगा 16 सितंबर 2023 से और ये एंड होगा 23rd सितंबर 2023 से। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक के लिए। तो और जो आपकी प्रॉपर क्लासेस हैं वो जो है 24 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉपर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, यही है, आप बाकी और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाकी ये जो चीज़ थी ये मेन थी। तो दोस्तों, ये जो है आपको भरना पड़ेगा फॉर्म ओल्ड सेमेस्टर का, इसके लिए वही 3-4 हज़ार के आसपास फीस जाती है, और हो सकता है ज़्यादा भी जाए, तो आइडिया नहीं है मुझे मतलब कितनी जाएगी, हर कोर्स की अलग अलग होती है। तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें सेमेस्टर के लिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। तो और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक दे दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी आती है दोस्तों आपकी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक चैनल, आवर चैनल।